हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। इस वीडियो में बात करें हरियाणा सिटी मेंस के अंदर ग्रुप 20 44 के रिजल्ट के बारे में। सुबह भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, कल जो स्टूडेंट पंचकूला आ गए थे एंड अभी की क्या कुछ अपडेट है एंड स्टूडेंट की व्यू पॉइंट भी हमने जाने एंड एक चीज जो फाइनलाइज हुई है अभी तक वो जो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक जो 6 मार्च की आपकी डेट है कोर्ट की, उसके अंदर अगर डेट और मिल जाती है उसके बाद कोई जाने का फायदा नहीं है। एंड अभी जो टेंडेंसी बनी स्टूडेंट की वो है 7 मार्च की। 7 मार्च स्टूडेंट एचसी ऑफिस पहुंचेंगे रिजल्ट के लिए। लाइक अगर यहाँ पे कोई भी फैसला आ गया, जजमेंट आ जाती है, चाहे वो डाई नंबर को हटाना हो, इसको शामिल करना हो, 5 नंबर को लेके जो भी अपडेट आए, उसके बाद 7 मार्च को स्टूडेंट पंचकूला पहुंचेंगे पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। एंड अगेन लाइक कल मैंने आपको जो 50 कैंडिडेट की बात कही थी, तो अभी भी उसके ऊपर कायम हूँ कि इतने स्टूडेंट जनरली पहुंचने चाहिए। एंड ऐसे कैंडिडेट मेरे पास रेगुलर मैसेज भी करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर पहुंचे एंड मैं भी वहां पे आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बुला रहा हूँ एंड खुद नहीं आ रहा। 50 कैंडिडेट अभी भी है, बट एक्सपेक्टेशन को हम नहीं भूल सकते कि अगर आपने इतना एक्सपेक्ट किया है तो एक रियलिटी आप ये भी जान लो कि ह्यूमन नेचर किस टाइप का, कि 5 ही कैंडिडेट पहुंचे, तो इस फैक्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड मैंने इन दोनों चीजों को लाइक एनालाइज कर रखा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है। देखो, आपका जो काम है वो आप करते रहो, सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप एक एक खुद से आओगे कि हाँ मेरे को चलना है, मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो स्टूडेंट 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा सोचा कि पर्टिकुलर इतने तो जा ही रहे हैं, मैं क्या करूंगा, तो देखो 5 भी हो सकते हैं। तो क्या आप खुद जा रहे हैं, आपका जो बहुत ही नोन है उसको लेके जा रहे हैं, वेल एंड गुड। बाकी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अभी 7 मार्च ही फाइनलाइज हुआ है एंड अगर कोई डेट मिल जाती है तो जाने में कोई भी सेंस नहीं है। बट जो स्टूडेंट पंचकुला से हैं एंड अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल तक के भी है, वो प्लीज ज्वाइन करें। बाकी जो ज्वाइन करा वो ठीक है, बट आप लोग जरूर ज्वाइन करें एंड जिनसे मेरी बात हुई है वो कैंडिडेट भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा लाइक एक चीज है जो काफी स्टूडेंट को लगती है कि बहुत सारा आपको डाटा नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा। देखो, सीटी के अंदर बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही डीपली बताई गई है, ठीक है। एक एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से जितनी भी आपकी पोस्ट थी जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट के लिए थी वो सारी आपको बताई गई है। टाइम टू टाइम आप मेरे नाम के साथ सर्च मार सकते हो, ग्रुप 20 के बारे में मैंने कितनी बार आपको बताया है, ठीक है। एंड किसी को दिखाने के लिए हम इस चीज को नहीं कर रहे, इवन पिछले 2 से 3 साल हो गए। लाइक ये भी मेंशन हम नहीं करते कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही रेयर वीडियो के अंदर ऐसा होता है। तो आप प्लीज पॉजिटिव रहिए, खुद का काम कीजिए, दूसरों को उनका काम करने दीजिए, क्योंकि आप अपने काम के ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे सो आई डोंट थिंक कि आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो अपने आपके काम के ऊपर फोकस रहिए एंड जो दूसरा कर रहा है उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने ये नहीं किया। देखो, सब जो भी काम करें वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अब जिस स्टूडेंट के बारे में आपको बताया था जो 2-3 बार पंचकूला जा चुके हैं, अभी तक मैंने उनका शेयर नहीं किया क्योंकि वो अपडेट दे रही थी लाइक अब तक रिजल्ट आ सकता है एंड हम भी गए थे, वो भी आपको बता दिया था। तो क्यों ना हम कलेक्टिव एफर्ट लेके चले, एक दूसरे की टांग खींचने से अच्छा है आप लोग अगर मिलकर रिजल्ट के लिए जाएंगे तो रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर एसएससी को रिजल्ट निकालना है तो आपका पहले भी निकाल सकती है, सो ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज 7 तारीख अभी तक आपकी फाइनलाइज है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है पॉजिटिव रहिए एंड आपके बारे में कौन क्या बोलता है उन सब चीजों पर इग्नोर मारिए, ठीक है। लेकिन मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है लाइक मैं उस चीज को ले ही नहीं रहा, तो वहीं तक वो खत्म हो गई, ठीक है। लाइक स्टूडेंट मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर कर, देखो आपकी ही मेंटेलिटी से पता चलती है आप कौन सी पीएचडी कर रहे हैं, कौन सी एमएससी कर रहे हैं, तो सारा उससे से होता है। आप जिस लैंग्वेज को शो कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं दूसरों के बारे में, जो वर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, ये आपको कब पता चलेगा, जब रिटर्न एग्जाम देंगे एचपीएससी के, ठीक है। ऐसे लाइक घर पे बैठ के किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत ही आसान बात होती है, बट ठीक है, आपको जो आपकी सोच है वहीं तक आप लिमिट है। बाकी आई विल एडवाइज कि पॉजिटिव रहिए एंड सब लोगों को एक साथ लेके चलिए, ठीक है। सबको बुरा बता के कि आप अच्छे बन गए, नेवर, ठीक है। हर टाइप के लोग हैं एंड वी आर नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि ये सही है ये गलत है। सब लोग कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे उतने ही लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जब मैं कुछ कर रहा हूँ उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान हो रहा तो है गलत, अदरवाइज आप अपना काम करते रहिए चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, ठीक है। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी कैंडिडेट हैं एंड आपको ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रही लाइफ के अंदर, इन सब चीजों में मत पड़िए कि लोगों को क्रिटिसाइज करने में हमारी जिंदगी निकल जाए, ठीक है। फिर रात कुछ भी नहीं लगने वाला।
इस वीडियो के अंदर इतना ही। अभी जो भी कैंडिडेट हैं तो 7 मार्च के हिसाब से आप तैयार रहिए एंड इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नंबर जो भी हो आपको जो करना है वो कीजिए। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।